निर्वाचन कार्यालय ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद अब मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बुधवार से जिले के सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे। जिले में 2400 से अधिक मतदान केंद्र हैं। देखिए एक खास खबर। अगस्त माह के बाद प्रदेश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। आयोग के निर्देश पर इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय भी चुनाव के पूर्व की जाने वाली तैयारियों में जुटा है। कुछ दिन पूर्व ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग सम्पन्न हुई। आयोग के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब जिले के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए बुधवार को सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी फील्ड में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे। भौतिक सत्यापन के दौरान टीम मतदान केंद्र पर बिजली पानी की सुविधा के साथ ही सफाई सुरक्षा और भवन की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि मतदाताओं से केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं है। निरीक्षण के दौरान 3 को मतदान केंद्रों के फोटो भी लेने हैं। FLC की कार्रवाई हमारी चल रही है और अभी मतदान केंद्रों के जो मूलभूत सुविधाएं वहां पर चाहिए उसके भौतिक सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लगाया गया है, तो ये लगकर एक एक मतदान केंद्र पर जो भी हमें AMF फैसिलिटीज़ चाहिए उसकी सारी तैयारियां करा रहे हैं। जैसे कि रैंप हो, दरवाजे प्रॉपर हो, बिल्डिंग प्रॉपर हो, टॉयलेट्स हो, पानी की व्यवस्था हो, छाँ की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जो हमें मतदान के दिन काम आने वाली है उसकी हम भौतिक अभी सत्यापन करा रहे हैं। 2417 मतदान केंद्र अभी हमारे वर्तमान में, और अभी जिनमें अधिक 1400 से वोटर रहेंगे उनको फिर अलग करने की कार्रवाई, पृथक से युक्तिकरण की कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर आज सारे राजस्व अधिकारी और जो RO AR O हैं और AR O महोदय हैं वो सारे लोग जो है फील्ड में मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए निकले हुए हैं। उसी में मैं आज संयोगितागंज के स्कूल में आया हुआ हूँ। यहाँ 5 मतदान केंद्र हमारे हैं और 5ों में नई बिल्डिंग बनी है, और जो AMF जो आयोग के निर्देश हैं कि मिनिमम जो फैसिलिटी है जो AMF है वो मतदान केंद्रों पर उसका भौतिक सत्यापन करना, मैंने यहाँ देखा है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं AMF के अनुसार ही पाई गई हैं। बाकी और हम राउंड पर हैं, कहीं कमी होगी तो हम वैसा प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजेंगे। इसमें चितावद और इस तरफ का एरिया है, अलग अलग अधिकारी पास अलग अलग एरिया हैं, और विधानसभा 3 और विधानसभा 5 का जो भाग वो मतदान केंद्र पड़ते हैं वो मेरे पास में, तो मैं उनको देख रहा हूँ। इंदौर जिले में 2400 से अधिक मतदान केंद्र हैं। युक्तिकरण के तहत ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा जिसमें 400 से अधिक मतदाता हों, उन्हें अन्य केंद्र में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।